पाकिस्तान के पेशावर में डीर कॉलोनी में आज सुबह एक मदरसे के पास ब्लास्ट हो गया। बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। बम धमाके में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे हैं। हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस के मुताबिक मदरसे में एक शख्स ने बैग के साथ प्रवेश किया, बाद में बैग में रखे बम में धमाका हो गया। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। SSP मंसूर अमन ने विस्फोट की पुष्टि करते हुए बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। घायलों को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल के प्रवक्ता मोहम्मद असीम ने बताया कि अब तक 7 शव अस्पताल लाए गए हैं। 70 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वकार आजिम ने बताया कि ब्लास्ट मदरसे के भीतर कुरान की क्लास के दौरान हुआ। किसी ने मदरसे के भीतर बैग रखा जिससे विस्फोट हुआ। घायलों में कई की हालत गंभीर है। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। पेशावर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय राजधानी भी है। इसकी सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। हाल के वर्षों में पेशावर में इस तरह की आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कट्टरपंथियों ने पूरे पाकिस्तान के मदरसे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही क्वेटा शहर बम विस्फोट में 3 लोग मारे गए थे। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।